क्या हुआ? कुछ कुछ नहीं। नहीं, तो फिर वो इतना गुस्सा क्यों कर रहा था? आवाजें बाहर तक आ रही थी। फूफा ने भी सुना है ना? सुना, लेकिन इग्नोर किया, माइंड नहीं किया। लेकिन मैंने माइंड किया, माफी मांगनी होगी शहीर को। मंगवा लेना माफी भी, पहले खुद तो ठीक हो जाओ। मैं क्या ठीक हूँ? वो क्या कह रहा है, मैंने दावत पे भी नहीं जाना, मैं क्या करूँ, अकेली जाऊं मैं दावत पे? मना लेना उसको, मान जाएगा। ऐसा नहीं है, तुम जानते हो वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हें याद है उसने नायला को कैसे हैंडल किया था? तुम पे भी गुस्सा नहीं किया, मेरे साथ भी ठीक था वो। ऐसा नहीं हो सकता। खैर, हो भी सकता, पागल आदमी का क्या भरोसा। ऐसे माइंड नहीं करना, पागल तो वो पहले से ही था, लग रहा है दोबारा से दौरा पड़ना शुरू हो गया उसको। बाइपोलर डिसऑर्डर के जो मरीज होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। कभी कभी तो बहुत अच्छे होते हैं और कभी कभी बहुत बुरे। सोच रहा हूं, ऐसे पागल शख्स के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार पाओगे तुम? मुझे तो लगता है कि ये शख्स तुमसे मोहब्बत ही नहीं करता। वो करता है मुझसे मोहब्बत। मोहब्बत करता? कोई मोहब्बत नहीं करता। तुम्हारी इस खिदमत और केयर ने उसे मजबूर कर दिया। वो बस तुमसे अच्छा बिहेव कर रहा है और कुछ नहीं। मोहब्बत करने वाले लोग ऐसे नहीं होते, तुम खुद सोचो। यहां तो हम सब लोग थे, उसके बावजूद उसने तुमसे ऐसे बात की। वापस जाके कोई नहीं है, तुम रह पाओगी उसके साथ? रह लूंगी मैं। हाँ भाई, जैसे दूसरी खवातीन अपने शौहरों की ज्यादतियां सह सह के जिंदगी गुजार लेती हैं, इस तरह तुम भी गुजार लोगे? मुझे तो लग रहा है कि वो तुमसे तंग आ गया। तंग? हाँ, तंग आ गया वो तुमसे, क्योंकि वो तो ये समझ रहा था कि तुम उसे छोड़कर चले जाओगी, लेकिन तुम तो गई नहीं। मुझे नहीं पता यार, नहीं पता मुझे। शहीद,